बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। आज मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में 536 करोड़ रुपए के विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिनके हुंकार से पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और पिछली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकने में सफल हुए और जिन्होंने अब नहीं सहेबो बदल के रहेबो ऐसा नारा देने वाले हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण राजेश अग्रवाल जी, प्रबोध मीन जी, रामकुमार टोपो जी, जिला के अध्यक्ष ललन प्रताप जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्रीमती उदेश्वरी पैंकरा जी, मेजर अनिल सिंह जी, भरत सिंह जी, अखिलेश सोनी जी, रामकिशुन जी, आलोक दुबे जी, कैलाश मिश्रा जी, अभिमन्यु गुप्ता जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और हमारे सभी पूरे सरगुजा जिला से पधारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, हम लोगों को आने में देरी हुई है इसलिए सबसे पहले आप सभी लोगों से हम क्षमा चाहेंगे और 5 बजे यहां से वापस भी जाना है इसलिए समय का अभाव है, इसलिए हम आज आप सब लोगों को बधाई ही देंगे, धन्यवाद ही देंगे कि आज 536 करोड़ रुपए के विकास काम, 1614 विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। पूरे सरगुजा जिला वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास का काम होगा, इसमें 157 करोड़ रुपए के 180 कार्यों का लोकार्पण हुआ है और 379 करोड़ 12 लाख रुपए का 1434 कार्य का भूमि पूजन आज संपन्न किए हैं। ये अंबिकापुर देश का सबसे सुंदर शहर है, साफ शहर है और इसको सुंदर और साफ बनाए रखने में हमारी स्वच्छता दीदियों का, सफाई मित्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और पूरे नगर निगम के लोगों को भी हम बधाई देना चाहेंगे जिनके सहयोग से आपका यह अंबिकापुर लगातार स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की सरकार, आप लोगों की सरकार पिछले विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग का
बहुत आशीर्वाद मिला। 14 की 14 सीट में आप लोग जीताए, इसके लिए भी धन्यवाद। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमारे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई, तो आप लोगों ने ये देखा है, अनुभव किया है कि अभी कुछ ही दिन बाद में 13 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये 1 साल के अल्पकाल में ही मोदी की गारंटी का अधिकांश बड़ा बड़ा काम हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज जो 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास वो भी बनना शुरू हो गया है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। आज तेंदू पत्ता का दाम 4000 से बढ़ाकर 5500 कर दिए हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। आज 20000 से ज्यादा हमारे राम भक्त पूरे प्रदेश से आज अयोध्या जाके भगवान राम का दर्शन करके लौट चुके हैं। आज पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं, तो प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ये तमाम सारे काम जो 1 साल के अंदर में हुए हैं आप सबको मालूम है, समय अभाव है इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और आज यहां पर मांग काफी सारी आई हैं हमारे सांसद के तरफ से, विधायकों के तरफ से, सभी काम होंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हमारी ये सरकार धीरे धीरे जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है, उन सभी कामों को करेगी। एक यहां पर मांग आई है कि एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ऐसे नाम बदल दिया गया है, जिसके कारण कुछ लाभ से वो कॉलेज वंचित हो रहा है। तो आज मैं उसके जगह पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर के नाम से अब ये कॉलेज जाना जाएगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। और अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर में अंबिकापुर नगर निगम को दिया है, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और आज काफी मांग आई है, लेकिन आज के इस अवसर में अंबिकापुर के विभिन्न वार्ड में अधोसंरचनात्मक कार्य के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपया के मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और यहां पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो यहां पर है, उसको जो रायपुर में राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है उस तरह का इसको बनाना है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीकेएस के तर्ज पर उसका विकास होगा, ऐसा मैं आज के इस अवसर में घोषणा करता हूं। और बाकी सारे आवेदन एप्लीकेशन हम रखे हैं, ये सब का निदान आपकी सरकार आने वाले समय में करेगी। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं फिर से आप सब लोगों ने हम लोगों का अभिनंदन किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे भी आप लोग इसी तरह से आशीर्वाद मार्गदर्शन देते रहिएगा, हम लोगों को ये छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, भारी संख्या में आप सब लोग आए, आप लोगों को बधाई शुभकामनाएं।